हल्की हल्की ठंड आने के साथ में ही आपको दिखेंगे पूरे मार्केट में एकदम ताज़े जूसी सिंघाड़े। और ये सिंघाड़े आपको केवल और केवल सर्दियों में खाने को मिलते हैं। तो आज इन्हीं सिंघाड़ों का यूज़ करके मैं आपके साथ में शेयर करूँगी एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो आपको बेहद पसंद आने वाली है। कैसे बनाते हैं चलिए देख लेते हैं। सिंघाड़े की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो सिंघाड़ा और इसको मैंने दो पानी से धो लिया, धोने के बाद में साफ़ कर लिया है। अब इसको हम छील के कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, बहुत ही आसान है। और ये देखिए कितने आसानी से कट गया है। जो अंदर का फ्रूट है उसको निकाल लेंगे, छिलके को हटा देंगे। जब भी आप मार्केट से सिंघाड़ा लेके आएँ, एक बात का बहुत ध्यान रखें कि आप बड़े साइज़ के सिंघाड़े लेके आएँ। उसको छीलना काटना बहुत ही आसान होता है, छोटे साइज़ के लेके आएंगे वो बहुत हार्ड होते हैं। तो हमेशा बड़े साइज़ के लेके आइएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो ऐसे ही हम सारे सिंघाड़ों को छील के कट कर लेंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे सिंघाड़ों को छील लिया, बीच से कट कर लिया, फिर धो के पानी में डाल दिया है ताकि ये काले ना पड़े। तो अभी इनको हम साइड में कर देंगे और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ गैस पे रखा है मैंने कुकर, गैस को ऑन कर दिया है। इसमें डाल देंगे हम 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को गर्म कर लेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर डाल देंगे इसमें तड़के के लिए 1/2 चम्मच जीरा। साथ में डाल देंगे फ्लेवर के लिए थोड़ी सी हींग। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे जीरा फ्राई होने के बाद में इसमें डाल देंगे हम 1 प्याज बारीक कटा हुआ। साथ में डाल देंगे ढेर सारा अदरक बारीक कटा हुआ। अब अदरक और प्याज को हम अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि इनका जो कलर है चेंज हो जाए। तो अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए जो प्याज है इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, हल्का से गोल्डन सा हो गया है। हमें प्याज को इतना ही फ्राई करना है। प्याज फ्राई करने के बाद में हम डाल देंगे इसमें 2 टमाटर बारीक कटा हुआ। और टमाटर को प्याज में हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर हल्के से नरम से हो जाए। और ये देखिए मैंने यहाँ पे टमाटर को प्याज के साथ में हल्का सा फ्राई कर लिया है। टमाटर को मैंने हल्का सा नरम सा कर लिया है। अब इसी के साथ में हम डाल देंगे थोड़े से मसाले ताकि वो भी फ्राई होकर अपना तेल छोड़ दें। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर। साथ में लेंगे नमक स्वाद अनुसार, तो मैंने यहाँ पे लिया है छोटी 1/2 चम्मच। साथ में लेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। साथ में तीखेपन के लिए मैंने यहाँ पे लिए है 2 हरी मिर्च जिसको मैंने बीच से कट कर लिया है। अब सारे मसालों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनेंगे ताकि मसाले जले नहीं लेकिन अपना तेल छोड़ दें और अच्छे से भून जाए, ताकि मसालों की अच्छी सी महक आ जाए हमारी ग्रेवी में। तो पहले अच्छे से भून लेते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है, मसालों में तेल छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक मसाला है ये बनके तैयार हो गया है। लेकिन हम बना रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट मसाला। तो मसाले को और टेस्टी और जायकेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 4 बड़े चम्मच घर की जमी हुई दही। इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास इस टाइम पे दही ना हो तो आप दही की जगह पे दूध की जो मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे और लगातार चलाते हुए मसालों के साथ में दही को भून लेंगे, ताकि दही है फटे नहीं और दही का जो फैट होता है वो मसालों के साथ में अच्छे से घुल मिल जाए। इस तरीके से मसाले भी तेल छोड़ देंगे और दही भी अपना जो फैट होता है वो भी छोड़ देगी। और ये देखिए मैंने यहाँ पे मसालों को बिल्कुल अच्छे से दही के साथ में भून लिया है, बिल्कुल धीमी आँच पे। मसालों को आप जितना अच्छे से भूनते हैं आपकी सब्ज़ी उतनी अच्छी बनेगी। साथ में डाल देंगे हम फ्लेवर के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हल्का सा मिला देंगे और ये लीजिए तैयार है हमारा बहुत बहुत टेस्टी गर्मा गर्म मसाला, जो कि आज की रेसिपी की जान होने वाली है। तो यहाँ मसाला भून के तैयार हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम सिंघाड़े। तो पानी को मैंने हटा दिया है। अब सिंघाड़ों को हम मसालों के साथ में अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो मसाले हैं सिंघाड़ों में ऊपर तक कोट हो जाए। तो अच्छे से भून लेते हैं मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के लिए। और ये देखिए मैंने यहाँ पे सिंघाड़ों को मसालों के साथ में अच्छे से भून लिया है। सारे जो मसाले सिंघाड़ों पे अच्छे से कोट हो गए हैं, एकदम परफेक्ट, देखते खाने का मन कर जाए। तो यहाँ पे जो सिंघाड़े हैं मसालों के साथ में अच्छे से भून गए हैं। अब डाल दें इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी। तो यहाँ पे ग्रेवी के लिए मैंने डाला इसमें 1 गिलास पानी, क्योंकि हम इसको खाएंगे राइस के साथ में। आप ग्रेवी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब ग्रेवी अच्छे से उबलने लगेगी तो हम इसको मिला देंगे एक बार, और मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 सीटी आने तक इसको हम अच्छे से पकाएंगे। 3 से 4 सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और जो बेसन है इसको ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे 3-4 सीटी आने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था, गैस निकल गई है। अब खोल के देख लेते हैं। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त हमारी सब्जी का लुक आया है, कितने अच्छे से सब्जी ने तेल छोड़ दिया है।
ऊपर से डाल देंगे फाइनली गार्निश के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी विंटर स्पेशल बहुत बहुत टेस्टी सिंघाड़े की मसाला सब्जी, जिसको आप खा सकते हैं रोटी के साथ में, चावल के साथ में, पूड़ी के साथ में। और ये देखिए, मैंने चेक कर लिया, अच्छे से पक गए हैं, एकदम परफेक्ट ग्रेवी, एकदम परफेक्ट। आपको ग्रेवी कम रखनी है तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन हल्की सी जो ग्रेवी है रखने के बाद में गाढ़ी हो जाती है। तो ये हमारे ग्रेवी वाले मसालेदार सिंघाड़े बनके तैयार हैं, जो कि परफेक्ट है स्टीम राइस के साथ में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने घर में ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ऐसी नई नई रेसिपी मैं आपके साथ में और भी शेयर करती रहूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, अभी के लिए बाय बाय। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो प्लीज़ फॉलो करिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू वॉच प्रियंका किचन जोन।